ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कैलिफोर्निया के बाद अब एकदम नए तरह का कोरोना वायरस न्यूयॉर्क में मिला है। अमेरिका के डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे अत्यंत खतरनाक स्ट्रेन बता रहे हैं क्योंकि ये बेहद तेजी से पूरे न्यूयॉर्क शहर में फैल रहा है। ये वायरस पिछले साल नवंबर के महीने में पहली बार सामने आया था। इसके बारे में फरवरी में पूरी दुनिया को जानकारी दी गई। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के खतरनाक वेरियंट के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क शहर में मिले कोरोना के नए वेरियंट यानी स्ट्रेन का नाम है B.1.526। न्यूयॉर्क में कोरोना से संक्रमित सभी लोगों में से 25% लोग इस नए स्ट्रेन की चपेट में हैं। ये बात फरवरी में आई जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में सामने आई है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के अनुसार B.1.526 पर फिलहाल बनाए गए किसी भी वैक्सीन का असर नहीं हो रहा है। इस वायरस की बाहरी कंचीली परत अन्य कोरोना वायरसों की परत से ज्यादा संक्रामक, घातक और मजबूत है। ये बहुत तेजी से मानव शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है, तेजी से उन्हें गले लगाकर आरएनए अंदर छोड़ देता है ताकि वायरस तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सके। B.1.526 कोरोना वायरस के दो और वर्जन बताए जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसके दो पूर्वज पहले से दुनिया में मौजूद हैं। पहला म्यूटेशन यानी वर्जन है E484 के। ये वायरस फिलहाल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है, एंटीबॉडीज खत्म हो रही है। इसका नुकसान ये है कि इस वायरस से संक्रमित लोगों पर वैक्सीन का असर नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।